सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करेंगे SBFC फाइनेंस लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन आधे परसेंट की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 94 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लूज किस प्राइस पर रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर 44 डेज का मूविंग एवरेज लगाएगा। आप देख सकते हैं जो इसका ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। पहले स्टॉक देखें तो नेगेटिव में ट्रेड कर रहा था, स्टॉक थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है, पर इस पॉइंट से स्टॉक ने बिल्कुल ही ट्रेंड चेंज किया है। स्टॉक का प्राइस देखें नीचे में जो सपोर्ट लेवल बन चुका है वो 87 रुपीज का है। जो आप ग्रीन कलर की नीक लाइन देख रहे हैं इस पॉइंट पर, अभी से स्टॉक के अंदर एक सपोर्ट लेवल बन चुका है और यहां से स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है। जहां पर स्टॉक ने ऊपर हाई भी बनाया था 105 रुपीज का, पर ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली। ये करेक्शन थी मुनाफा वसूली, क्योंकि जिन निवेशकों ने इस स्टॉक को निचले लेवल पर बाय किया था उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट बना, उन्होंने इस स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर मुनाफा वसूली की है, इसलिए स्टॉक इतना नीचे करेक्शन दिखाएगा। पर नीचे फिर से स्टॉक सपोर्ट लेवल बना चुका है 90 रुपीज पर, क्योंकि 90 रुपीज के प्राइस को स्टॉक रिटेस्ट करने के बाद एक अच्छी रिकवरी दिखा रहेगा। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो शॉर्ट टर्म के लिए आप 90 रुपीज का स्टॉक लॉस रख सकते हैं, ऊपर के टारगेट 105 रुपीज। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के नजरिए से स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 87 रुपीज, क्योंकि जो ग्रीन कलर की नेक लाइन है यहाँ पर स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि स्टॉक अगर फ्यूचर में इस प्राइस को रिटेस्ट भी करता है तो ज्यादा चांसेस है कि स्टॉक इस प्राइस को रिटेस्ट करने के बाद एक बड़ा अपसाइड मूव दिखाता हुआ नजर आएगा। ऊपर के टारगेट 120 रुपए।